सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, हम इसी वीडियो के जरिए में हमको कल कौन सा स्टॉक के ऊपर बाय करना है या सेल करना है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसे रहेगा उसके बारे में जानने जा रहे हैं। दोस्तों, जानने से पहले मैंने आज जो स्टॉक दिया था वो स्टॉक कैसे परफॉर्म किया, चलिए फर्स्ट उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, वो जानने के लिए मैंने इसी वीडियो को ओपन कर रहा हूँ। दोस्तों, पहला स्क्रिप्ट पे मैंने एक्सिस बैंक को सेल के लिए बताया था। इक्विटी और कैश मार्केट पे 614 पे सेल करना था, स्टॉप लॉस था 618, पहला टारगेट 609 और सेकेंड टारगेट 606 था। तो चलिए दोस्तों, मैंने एक्सिस बैंक का चार्ट ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि एक्सिस बैंक कैसे परफॉर्म किया। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक्सिस बैंक का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, एक्सिस बैंक जो पहला 5 मिनट का कैंडल है ये 613.76 से लेकर 608.85 के अंदर मूव किया था। दोस्तों, ये पहला 5 मिनट के अंदर ये देखिए 4-5 पॉइंट के आसपास मूव करने के बाद ये धीरे धीरे इसी लेवल से इसके नीचे ट्रेड करने लगा। दोस्तों, अगर आप इसी लेवल के आसपास एंट्री किए हो, देखिए इसका जो क्लोजिंग हुआ है 600 के आसपास। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे बताया था अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो 606 तक जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये सेकेंड टारगेट अचीव होने के बाद भी ये और भी ज़्यादा नीचे की तरफ जाके क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों, ये एक्सिस बैंक पे हमारा सेकेंड टारगेट अचीव हो गया। तो चलिए दोस्तों, अभी सेकेंड स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, सेकेंड स्क्रिप्ट पे मैंने इचर मोटर पे सेल के लिए बताया था। तो इक्विटर कैश मार्केट पे हमको 22710 पे सेल करना था, स्टॉप लॉस था 22910, पहला टारगेट 22510 और सेकेंड टारगेट 22310 था। चलिए दोस्तों, इचर मोटर का चार्ट ओपन करके देखते हैं कि इचर मोटर कैसे परफॉर्म किया। देखिए दोस्तों, इचर मोटर का जो पहला 5 मिनट का कैंडल है ये 22747 से लेकर 22501 के अंदर मूव किया था और इसके बाद धीरे धीरे ये सेकेंड कैंडल पे इसी लेवल को क्रॉस करके नीचे ट्रेडिंग करने लगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया था अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो ये 22310 तक जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, इचर मोटर का आज लो कहाँ पे बनाया है, देखिए इसका जो लो आया है 22097 के आसपास। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सेकेंड टारगेट मैंने बताया था तो ये सेकेंड टारगेट से ये और 200-300 पॉइंट के आसपास नीचे की तरफ गया था, फिर देखिए इसी लेवल के आसपास ये क्लोजिंग दिया है। तो इचर मोटर पे हमारा जो सेकेंड टारगेट था वो सेकेंड टारगेट अचीव हो गया। तो चलिए दोस्तों, अभी थर्ड स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, थर्ड स्क्रिप्ट पे मैंने ग्रासिम को सेल के लिए बताया था। तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 818 पे सेल करना था, स्टॉप लॉस था 825, पहला टारगेट 808 और सेकेंड टारगेट 803 था। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ग्रासिम का स्टॉक ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि ग्रासिम आज कैसे परफॉर्म किया। देखिए दोस्तों, ग्रासिम का जो पहला 5 मिनट का कैंडल है ये 818 से लेकर 825 के अंदर मूव किया था। तो ये पहला 5 मिनट के कैंडल के अंदर 7 पॉइंट के आसपास मूवमेंट दिया और देखिए ये थर्ड कैंडल पे इसी लेवल को क्रॉस करके नीचे आके क्लोजिंग दिया। अगर आप एंट्री लेंगे तो आपका एंट्री आएगा ये लेवल के आसपास, तो 817.42 के आसपास आपका एंट्री रहेगा। देखिए, मैंने यहाँ पे बताया था अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो 803 तक जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो लो आज बनाया है ये लो आ रहा है ऑलमोस्ट 792 के आसपास। तो यहाँ पे जो सेकेंड टारगेट था ये सेकेंड टारगेट से भी और 3-4 पॉइंट नीचे की तरफ गया था। तो दोस्तों, हमारा ग्रासिम पे जो सेकेंड टारगेट था वो सेकेंड टारगेट अचीव हो गया। तो चलिए दोस्तों, अभी फोर्थ स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, फोर्थ स्क्रिप्ट पे मैंने SCL टेक को बाय के लिए बताया था। तो इक्विटर कैश मार्केट पे 1045 पे बाय करना था, स्टॉप लॉस था 1044, पहला टारगेट 1065 और सेकेंड टारगेट 1074 था। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे SCL टेक का चार्ट ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि SCL टेक आज कैसे परफॉर्म किया। देखिए, मैंने SCL टेक पे बाय के लिए बताया था, लेकिन देखिए इसका जो पहला 5 मिनट का कैंडल है ये 1065 पे लेकर 1047 के अंदर मूव किया था। तो ये लेवल को ये क्रॉस करके ऊपर की तरफ आज गया नहीं है, तो इसी लेवल से धीरे धीरे नीचे की तरफ आ गया था। तो दोस्तों, रूल के हिसाब से हमको SCL टेक पे आज एंट्री नहीं आया। तो चलिए दोस्तों, अभी फिफ्थ स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, फिफ्थ स्क्रिप्ट पे मैंने इंडसइंड बैंक को सेल के लिए बताया था। तो इक्विटी कैश मार्केट पे 1593 पे सेल करना था, स्टॉप लॉस 1607, पहला टारगेट 1575
और सेकेंड टारगेट 1565 था। तो चलिए दोस्तों इंडसइंड बैंक का चार्ट ओपन करके देखते हैं। देखिए ये इंडसइंड बैंक गैप डाउन ओपनिंग दिया था और इसका जो पहला 5 मिनट का कैंडल है ये 1594 से लेकर 1576 के अंदर मूव किया था। तो देखिए दोस्तों इसी लेवल से ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा। तो अगर आप एंट्री लिए हो तो आपका एंट्री आएगा ये लेवल के आसपास, तो 1575 के आसपास आपका एंट्री आएगा। अगर आप 1575 के आसपास एंट्री लेते हो, यहाँ पे जो एंट्री और जो स्टॉप लॉस के बीच में जो गैप था ये देखिए 14 पॉइंट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस था। अगर आप ये लेवल के आसपास एंट्री करते हो 1576 के आसपास, तो देखिए आपका स्टॉप लॉस आएगा 1590 के आसपास। तो 1590 आ रहा है ये लेवल पे, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। और देखिए इसी लेवल से धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था और इसका जो सेकेंड टारगेट था 1565, ये स्टॉक का आज लो कितना पॉइंट पे बना है देखिए 1560 पे ये लो बना के फिर ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों ये 1565 का जो टारगेट था ये सेकेंड टारगेट अचीव हो गया। तो दोस्तों आज मैंने जो 5 स्क्रिप्ट दिया था वो 5 स्क्रिप्ट के अंदर 4 स्क्रिप्ट पे टारगेट अचीव हो गया है और 1 स्क्रिप्ट पे हमारा एंट्री नहीं आया। तो चलिए दोस्तों निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर आज कैसे परफॉर्म किए उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए मैंने निफ्टी फ्यूचर को सेल के लिए बताया था, तो 10,800 पे हमको सेल करना था। स्टॉप लॉस था 10,845, पहला टारगेट 10,750 और सेकेंड टारगेट 10,725 था। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों निफ्टी आज गैप डाउन ओपनिंग दिया था, मैंने 10,800 के आसपास इसको सेल के लिए बताया था ये लेवल के आसपास, और इसका जो पहला 5 मिनट का कैंडल बना है ये 10,754 से लेकर 10,734 के अंदर, ये 20 पॉइंट के आसपास पहला 5 मिनट पे ट्रेड करने के बाद ये धीरे धीरे देखिए नीचे ट्रेड करने लगा है। तो दोस्तों अगर आप रूल के हिसाब से यहाँ पे एंट्री किए हो तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा मिला है। और हमारा ये एंट्री और सेकेंड टारगेट के बीच में देखिए 75 पॉइंट्स के आसपास गैप था। तो देखिए दोस्तों अगर आप ये लेवल के आसपास एंट्री भी करते हो तो आपका एंट्री आता है 10,725 के आसपास। देखिए दोस्तों अगर आप 10,725 के आसपास एंट्री करते हो और 75 पॉइंट का टारगेट रहता है तो 10,650 आपका टारगेट रहेगा। तो 10,650 का लेवल ये लेवल के आसपास अचीव हो गया। तो दोस्तों अगर आप रूल के हिसाब से भी ये निफ्टी फ्यूचर पे एंट्री किए हो तो यहाँ पे सेकेंड टारगेट अचीव हो गया है। चलिए दोस्तों अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। देखिए बैंक निफ्टी फ्यूचर पे मैंने 26,600 पे सेल के लिए बताया था, स्टॉप लॉस था 26,680, पहला टारगेट 26,500 और सेकेंड टारगेट 26,400 था। दोस्तों मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि आज बैंक निफ्टी फ्यूचर कैसे परफॉर्म किया। देखिए बैंक निफ्टी फ्यूचर भी गैप डाउन ओपनिंग दिया था, ये ऑलमोस्ट आज पहला 5 मिनट का कैंडल के नीचे ही दिन भर ट्रेड कर रहा था। देखिए दोस्तों अगर आप ये लेवल के आसपास एंट्री लेते हो 26,380 के आसपास, यहाँ पे देखिए एंट्री और सेकेंड टारगेट के बीच में 200 पॉइंट के आसपास गैप था। अगर आप 26,380 पे एंट्री लेते हो तो आपका टारगेट आएगा 26,180 के आसपास। देखिए यहाँ पे 26,180 के आसपास ही आया नहीं है, लेकिन यहाँ पे पहला टारगेट 26,500 था, मतलब 100 पॉइंट नीचे। तो अगर आप 26,380 पे एंट्री लिए, इसका 100 पॉइंट नीचे 26,280, देखिए ये लेवल के आसपास जो पहला टारगेट है वो अचीव हो गया। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर पे रूल के हिसाब से आज एंट्री किए हो तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। और मैंने जो 5 स्क्रिप्ट दिया था वो 5 स्क्रिप्ट के अंदर 4 स्क्रिप्ट पे सेकेंड टारगेट अचीव हुआ है और 1 स्क्रिप्ट पे हमारा एंट्री नहीं आया। तो दोस्तों ये था आज का रिजल्ट। चलिए हमको कल कौन सा स्टॉक के ऊपर बाय करना है या सेल करना है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसे रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जानने से पहले मैंने आप लोगों को बता दूं, मैंने एक पेड सर्विस का ग्रुप शुरू किया है और इसी ग्रुप पे हर दिन 2 स्टॉक शेयर कर रहा हूँ, उसका प्रॉपर एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस ये सारे मेरा ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने आज जो स्टॉक दिया था वो स्टॉक कैसे परफॉर्म किया।
देखिए मैंने यहाँ पे एससीएल टेक को सेल के लिए बताया था और हिंदुस्तान यूनिलीवर को सेल के लिए बताया था। दोस्तों एससीएल टेक का सेलिंग मैंने 1038 पे करने के लिए बताया था, स्टॉप लॉस था 1046 और जो टारगेट था 1023। मैंने यहाँ पे एससीएल टेक का चार्ट ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि एससीएल टेक आज कैसे परफॉर्म किया। तो मैंने 1038 पे सेल के लिए बताया था, तो जो सेलिंग का लेवल था ये लेवल के आसपास मैंने सेल के लिए बताया था, और देखिए इसी लेवल से नीचे की तरफ आया है और हमारा जो टारगेट था 1023। देखिए दोस्तों 1023 का लेवल ये लेवल के आसपास अचीव हो गया। तो एससीएल टेक पे हमारा जो टारगेट था वो टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो गया। तो चलिए दोस्तों अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में जानते हैं। देखिए मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को 1823 पे सेल के लिए बताया था और इसका स्टॉप लॉस था 1836 और जो टारगेट था वो था 1798। मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि हिंदुस्तान यूनिलीवर आज कैसे परफॉर्म किया। देखिए दोस्तों मैंने 1823 पे सेल के लिए बताया था, तो 1823 का लेवल ये लेवल के आसपास आ रहा है। तो देखिए दोस्तों इसी लेवल के आसपास मैंने सेल के लिए बताया था, तो इसका जो स्टॉप लॉस था 1836 पे और टारगेट 1798 पे था। 1836 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस था, तो ये लेवल के आसपास स्टॉप लॉस था। देखिए इसी लेवल के आसपास आने के बाद ये वापस ऊपर की तरफ गया नहीं है और जो टारगेट था 1798 पे। तो देखिए दोस्तों ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन जब इसी लेवल पे ये ऊपर की तरफ जाने लगा तो मैंने मेरा ग्रुप पे बताया दिया था कि अगर 1819 के लेवल के आसपास आ जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर देने के लिए। तो देखिए दोस्तों ये 1819 के लेवल पे वापस आ गया, तो इसीलिए हम लोग इसी लेवल के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिए, लेकिन हमारा जो टारगेट था एक्चुअली 1798 का था। देखिए दोस्तों ये धीरे धीरे नीचे की तरफ गया और यहाँ पे जो 1798 का जो टारगेट था ये लास्ट मोमेंट पे जाके टच किया है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर पे टारगेट तो अचीव हुआ, लेकिन हम पहले यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल गए थे। दोस्तों ये था पेड सर्विस का रिजल्ट। अगर आप लोगों को इंट्राडे पेड सर्विस पे ज्वाइन करना है, मैंने मेरा व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम ये जानते हैं कि कल कौन सा स्टॉक के ऊपर हमको बाय करना है, सेल करना है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसे रहेगा। दोस्तों पहला स्क्रिप्ट पे मैंने अदानी पोर्ट को सेल के लिए बताया है, तो इक्विटी और कैश मार्केट पे हमको 362 पे सेल करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 365, पहला टारगेट 359 और सेकंड टारगेट 356 रखना है। अगर आप अदानी पोर्ट का फ्यूचर मार्केट पे सेल करना चाहते हैं 363 पे सेल कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा 366, पहला टारगेट 360 और सेकेंड टारगेट 357 रखना है। चलिए दोस्तों अब स्क्रिप्ट टू के बारे में जानते हैं। देखिए स्क्रिप्ट टू पे हमको एशियन पेंट को सेल करना है, इक्विटी और कैश मार्केट पे 1290 पे सेल कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा 1300, पहला टारगेट 1280 और सेकेंड टारगेट 1270 रखिए। दोस्तों अगर आप एशियन पेंट का फ्यूचर मार्केट पे सेल करना चाहते हैं तो 1295 पे सेल कीजिए, स्टॉप लॉस आपका 1305 रहेगा, पहला टारगेट 1280 और सेकेंड टारगेट 1275 रखिए। तो चलिए दोस्तों अभी थर्ड स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। देखिए थर्ड स्क्रिप्ट पे मैंने बजाज ऑटो को सेल के लिए बताया है, तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 2716 पे सेल कीजिए, स्टॉप लॉस आपका 2746 रहेगा, पहला टारगेट 2675 और सेकेंड टारगेट 2655 रखिए। अगर आप बजाज ऑटो का फ्यूचर मार्केट पे सेल करना चाहते हैं तो 2722 पे सेल कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा 2752, पहला टारगेट 2681 और सेकेंड टारगेट 2661 रखिए। चलिए दोस्तों अब स्क्रिप्ट फोर के बारे में जानते हैं। स्क्रिप्ट फोर पे मैंने बजाज फिनसर पे सेल के लिए बताया है, तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 5660 पे सेल कीजिए, स्टॉप लॉस आपका 5720 रहेगा, पहला टारगेट 5580 और सेकेंड टारगेट 5540 रखिए। अगर आप बजाज फिनसर का फ्यूचर मार्केट पे सेल करना चाहते हैं तो 5654 पे सेल कीजिए, स्टॉप लॉस आपका 5714 रहेगा, पहला टारगेट 5574 और सेकेंड टारगेट 5534 रखिए। तो चलिए दोस्तों अब स्क्रिप्ट फाइव के बारे में जानते हैं। देखिए स्क्रिप्ट फाइव पे हमको भारतीय एयरटेल पे सेल करना है, इक्विटी और कैश मार्केट पे 302 पे सेल कीजिए, स्टॉप लॉस आपका 305 रहेगा, पहला टारगेट 298 और सेकेंड टारगेट 296 रखिए। अगर आप भारतीय एयरटेल का फ्यूचर मार्केट पे सेल करना चाहते हैं
सेम आपको 302 पे सेल करना है, स्टॉप लॉस आपका 305 रहेगा, पहला टारगेट 298 और सेकंड टारगेट 296 रखना है। दोस्तों मैंने पांच स्क्रिप्ट पे पूरा पांच स्क्रिप्ट को सेल के लिए बताया है। चलिए अभी निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। देखिए निफ्टी फ्यूचर पे हमको 10,600 पे सेल करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 10,645, पहला टारगेट 10,550 और सेकंड टारगेट 10,525 रखिए। तो चलिए दोस्तों अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। देखिए बैंक निफ्टी फ्यूचर पे मैंने 26,200 पे सेल के लिए बताया है, स्टॉप लॉस रहेगा 26,280, पहला टारगेट 26,100 और सेकंड टारगेट 26,000 रखना है। दोस्तों ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और पांच स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस। दोस्तों मैंने जो भी स्टॉक प्रोवाइड किया है वो स्टॉक पे ट्रेड करने से पहले मैंने एक रूल का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है। अगर आप वो रूल का वीडियो को नहीं देखे हो तो पहले वो रूल का वीडियो को देख लीजिए। अगर वो रूल के वीडियो के हिसाब से आपको ट्रेड करने के लिए एंट्री आ रहा है तो अभी आप वो स्टॉक पे ट्रेड कीजिए। अगर किसी दिन रूल के वीडियो के हिसाब से वो एंट्री नहीं आ रहा है तो आप उसी दिन वो स्टॉक पे ट्रेड मत कीजिए। दोस्तों आपके कैपिटल का 3% से ज़्यादा रिस्क कभी मत लीजिए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड कीजिए ताकि आपको मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, सबको शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।